नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन सोमवार को दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद आज सुबह 11 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। आज एक बार फिर से सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और जैसा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो मंगलवार को सदन में दो प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि किन प्रस्तावों को वो सदन में पेश करेंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह जरूर कहा कि प्रस्ताव को सदन में पेश करना है, लिहाजा वो पहले कुछ नहीं बोलना चाहते। आरजेडी सूत्रों की माने तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो प्रस्ताव आज पेश करने वाले हैं वो विधायकों से पिटाई का जो मामला है उससे जुड़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उन प्रस्ताव में जो आरजेडी सूत्र से पता चल रहा है वो ये है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन विधायकों की जो पिटाई हुई है उनसे माफी मांगने की अपील करेंगे। इसके अलावे तेजस्वी यादव विपक्षी विधायकों की पिटाई के मामले में दोषी अधिकारियों पर ठोस कार्यवाही की मांग भी करेंगे। अगर इन प्रस्तावों पर पहल नहीं की गई तो विपक्ष विधानसभा में आज जोरदार हंगामा कर सकता है। प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही चल पाएगी या नहीं इसको लेकर थोड़ा संशय है। हालांकि सोमवार को सदन में जब तेजस्वी यादव खड़े हुए थे तो विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें मंगलवार यानी आज शून्यकाल के बाद प्रस्ताव लाने पर सहमति दी थी। मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्षी विधायक के काला मास्क और हेलमेट पहनकर सदन पहुंचे थे। इनका आरोप था कि विपक्षी विधायकों की पिटाई करवाने वाली सरकार उनके ऊपर हमला करवा सकती है, लिहाजा हेलमेट पहनकर सदन में आना जरूरी है। काला मास्क पहनकर विपक्षी विधायकों ने पिटाई के मामले में अपना विरोध भी जताया था। 23 मार्च को बजट सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों की पिटाई विधानसभा में की गई थी। तेजस्वी यादव ने इस मामले में कार्रवाई के लिए दो बार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को पत्र भी लिखा। हालांकि अब तक इस मामले में सरकार की तरफ से केवल दो कांस्टेबल के ऊपर एक्शन लिया गया है। जाहिर है यह मामला इतना गंभीर है कि तेजस्वी यादव मुद्दे पर सरकार को आसानी से नहीं निकलने देंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन प्रस्तावों को लेकर कुछ भी कहने से इनकार किया है। उनका कहना है कि प्रस्ताव को सदन में पेश होना है, लिहाजा वो पहले कुछ भी नहीं बोलना चाहते। लेकिन आरजेडी सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव जो आज प्रस्ताव दो प्रस्ताव जो आज वो पेश करने वाले हैं वो विधायकों की पिटाई से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव प्रस्ताव में जो तेजस्वी यादव का आज दो प्रस्ताव है उसमें नीतीश कुमार को उन विधायकों से माफी मांगने की अपील करेंगे। हालांकि आज सदन की जब कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव का जो प्रस्ताव है वो किन मुद्दों पर होता है, किन मामलों पर होता है। हालांकि जो खबरें निकल के आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक वो हम आपको बता रहे थे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।